अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुबशिर और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की मेरी फ़र्स्ट वीडियो है न्यू शेड से। पिछली वीडियो में आपने देखा था जो शेड कंस्ट्रक्शन के ऊपर थी, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये है कि अब जो आइंदा वीडियोज़ आएंगी वो न्यू शेड से भी हुआ करेंगी। और वीडियोज़ ना आने की वजह भी यही थी कि मैं शेड के कंस्ट्रक्शन वगैरह में बिज़ी था। पीछे केजी वगैरह देख रहे हैं, बॉक्स लगे हुए हैं, बर्ड ठीक है सारा कुछ, तो इसी सेटलमेंट में मैं बिज़ी रहा बस। और जब एवरी बनाई थी ये सारी, तो खुद ही सारा काम किया था, क्योंकि काम वगैरह सारा खुद ही करना था कंस्ट्रक्शन का, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। नहीं तो मैं इस पर डिटेल वीडियो उस वक्त बनाता, लेकिन बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। बट आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक सा एक टूर करवाऊंगा एवरी का, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने की है। चलते हैं अपनी बाकी वीडियो की जानिब। तो ये है जी एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद कुछ इस तरह की लुक है सामने। तो ये सारे केजीज और बॉक्सेस वगैरह लगा दिए हुए हैं। केजीज का हिसाब किताब है, केजीज के भी दो तीन पैटर्न किए थे पहले ट्राई रखने के, लेकिन ये उन सब में बेस्ट रहा, मतलब चारों एक ही तरह और एक अच्छी लुक देते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे लाइट का फंक्शन है, और जो बॉक्सेस का फंक्शन है वो सारा पीछे की जानिब है। तो उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि पीछे की जानिब बॉक्स क्यों रखे गए हैं और उसका फ़ायदा क्या है। और पीछे तो अभी मैं जा कर नहीं दिखा सकता आपको बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि बर्ड डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो केजीज वगैरह के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इनकी डिमेंशन वगैरह के ऊपर, और जो जो केजीज में मैंने ऐड करवाई हैं चीज़ें, या केजीज का साइज़ वगैरह और हाइट वगैरह हर चीज़ ना। और केजीज से ज़्यादा करीब नहीं जाऊंगा क्योंकि बर्ड डिस्टर्ब होते हैं, ब्रीडिंग सीज़न है तो रिंग नेक तो वैसे भी डिस्टर्ब होता है। तो ये कुछ इस तरह का कि ये दो साइड्स ओपन थी, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये दो साइड ओपन थी, अभी तो कवर की हुई है सर्दी की वजह से, कि वो कवरिंग की हुई है कि सीधी हवा ना बर्ड को लगे। तो ये वहाँ स्टार्ट से लेकर मैं करीब तो नहीं अभी जा सकता, यहाँ से दिखाऊंगा। तो ये सारी एक ही जाली का पीस लगा के ओवरऑल स्टार्ट से लेके ये इधर टर्न हो के और इधर तक, ठीक है, ये दरवाजे तक एक ही जाली का पीस लगा के इसको ये सारा इधर कुछ ये लकड़ी के साथ इसको वॉल में अच्छी तरह फिक्स कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रिप। और उसके बाद जो नीचे वाली थी इसमें जो थोड़ी बहुत लचक थी, उसके लिए इसको ये सिल्वर वायर के साथ इधर ग्रिप दे दी हुई है। तो सेम इसी तरह से ये चूँकि पीस एक ही था, पीस एक होने का फ़ायदा ये है कि जो मजबूती है वो आ जाती है, कि जाली लगाना ज़रूरी इसलिए था। वैसे तो ओपन भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभार जो बर्ड्स को चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जिनमें बिल्लियाँ शामिल हैं या वाइल्ड बर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि बर्ड जो है वो केज ओपन कर लेता है, केज का दरवाज़ा, या फिर ये इनके ऐसे वॉल्विंग खुली रह जाए कभी दाना पानी चेंज करते हुए, तो बर्ड बाहर निकल आते हैं। तो उससे ये होता है कि बर्ड ये है कि वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ से बर्ड निकला दो साइड ओपन है और यहाँ से बर्ड फिर बाहर चला गया परमानेंट। उसके अलावा ये कुछ फोल्डिंग्स पड़े हुए हैं, और फोल्डिंग में भी कुछ बर्ड्स मौजूद हैं, इनकी भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो ये कुछ ओल्ड शेड से हैं इधर आए हुए, कुछ न्यू बर्ड्स हैं इनमें शामिल। तो ये थी एक बेसिक वीडियो न्यू शेड के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस आती रहेंगी। ये आपको बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, आने वाली वीडियोस में आपको केजीज वगैरह के बारे में बताऊंगा, और जो जो बर्ड यहाँ पे मौजूद हैं, पेयर जो जो मौजूद हैं, कौन से पेयर मेरे अपने हैं या कौन सा पेयर किधर से है। और उसके अलावा यहाँ से इंशाल्लाह जब बर्ड फुली एडजस्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से लाइव वीडियोस भी आया करेंगी।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।